हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप रसोई। मैं हूं अर्चना। आज मैं लाई हूं बहुत ही डिलीशियस नाश्ता, मैगी अचार मिक्स। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गैस ऑन करके कढ़ाई में रख दी हूं, तेल भी मेरा गर्म हो गया है, बिल्कुल हीट हो गया है। तो इसमें डाल देंगे तड़का के लिए जीरा आधा टी स्पून। जीरा तड़कने लगा है, इसमें डाल देंगे कटी हुई बारीक प्याज, चला लेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फ्रेंड्स, प्याज हमारा थोड़ा गोल्डन हो गया है, तो इसमें अब डाल देंगे टमाटर बारीक कटी हुई, मटर के दाने ऐड कर लेंगे। आधा चम्मच के लगभग हल्दी डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। अच्छे से चला लेंगे, इसे दो मिनट पका लेना, क्योंकि हरा मटर भी मैंने डाला है। तो दो मिनट पकाएंगे इसे फ्रेंड, तो कवर कर लेते हैं। दो मिनट हो गया है, तो देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है मटर, प्याज भी गल गया है। इसमें पानी ऐड कर लेंगे। एक कप के लगभग मैंने पानी डाला है यहाँ पे। इसमें मैगी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैगी को। अब इसमें ऐड कर लेंगे मैगी मसाला, एक से दो मिनट के लिए कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैगी जब तक दो मिनट पक रहा है, तब तक हम अचार का मिर्ची का तड़का तैयार कर लेते हैं। मैगी में तड़का लगाने के लिए मैं पैन रख दी हूँ, यहाँ पे गर्म भी हो गया है, तेल हमारा हीट हो गया है। तो इसमें जीरा ऐड करेंगे एक चौथाई के लगभग। जब जीरा छिटकने लगे तो इसमें डालेंगे अचार का मिर्चा कटा हुआ, मैंने बारीक काट ली हूँ अचार के मिर्चे को, एक अचार का मिर्चा इस्तेमाल की हूँ। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, अचार का मिर्चा भी भुन गया है। तो इसमें ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा धनिया पत्ता, फ्रेंड्स। मैगी जब तक दो मिनट पक रहा है, तब तक हम अचार का मिर्चे का तड़का तैयार कर लेते हैं। दो मिनट हो गया है, तो देख लेते हैं ढक्कन हटाकर, मैगी हमारा बिल्कुल तैयार है। मैगी तैयार हो गया है, तो गैस को ऑफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें तड़का लगा लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती कटी हुई बारीक। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी मैगी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अचार के मिर्चा से मैंने तड़का लगाया था, बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है इसमें अचार की मिर्चे वाली ये मैगी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, इसे हरे धने पत्ते से सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी मैगी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। मेरी मैगी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।